नमस्कार, प्रतिदिन समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हुलीना। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। राज्यपाल ने ली सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक। राज्यपाल ने की स्वेच्छानुदान राशि देने की घोषणा। सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी सफलता। 14 नक्सलियों को किया ढेर और 2 हार्डकोर माओवादी हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों से निकाली जाएगी योग यात्रा। लोगों को नशा मुक्ति और योग के प्रति करेंगे जागरूक। और रामायणकालीन हटकेश्वर महादेव की निराली है महिमा। दर्शन मात्र से पूरी होती है मुराद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजभवन में एक सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित स्पेशल फंड की राज्य प्रबंधन समिति की बैठक राज्यपाल बलरामजी दास टंडन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर राज्यपाल ने सैनिक कल्याण निधि के लिए स्वेच्छानुदान से 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों को अनलिमिटेड स्पेशल फंड से विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए वर्तमान में 6 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 31,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के नॉन पेंशनरों को चिकित्सा सहायता 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने कहा कि देश की खातिर सैनिक अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए सर्वोच्च वीरता दिखाते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए फंड की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर राजस्व संभाग के जिले के कलेक्टरों की बैठक लेकर जनसंवाद परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने संभाग के 5 जिलों रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। शराब और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य के सरहदी इलाकों में कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीमावर्ती इलाके सहित प्रदेश के कहीं भी अवैध शराब ले जाने वाला कोई वाहन मिले तो उसे तत्काल राजसात कर लिया जाए। डॉक्टर अमन सिंह ने कहा कि कोचिया बंदी का पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से बहुत अच्छा और सकारात्मक असर देखा जा रहा है, फिर भी प्रशासन को इस दिशा में लगातार चौकस रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि संचार क्रांति योजना, आबादी पट्टो, तेंदुपत्ता बोनस, चरण पादुका, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली जाए। अधोसंरचना के ऐसे कार्य जो अगस्त सितंबर तक पूरा हो सकते हैं उन्हें जल्दी ही पूरा कर लिया जाए। सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। फोर्स में 14 नक्सलियों को मार गिराया है, वहीं 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। फोर्स ने अंदरूनी नक्सल इलाके में दाखिल होकर नक्सली कैंप को ध्वस्त किया। दूसरी टीम अभी भी इलाके में फैली होने की जानकारी दी गई है। इस मामले में स्पेशल डीजी नक्सल डीएम अवस्थी ने सुकमा पुलिस को सफल ऑपरेशन के लिए बधाई भी दी है। डीआरजी, एसटीएफ और राज्य पुलिस के सिक्योरिटी फोर्सेस को सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली। सुकमा के घने जंगल में पहली बार जवानों की धमक ने नक्सलियों के छक्के छुड़ा दिए। सुकमा जिले के नलकातोंग गांव में 3 मिलिशिया कंपनी का कैंप लगाकर नक्सली टोह ले रहे थे। इसी बीच इंटेलिजेंस से मिली पुख्ता सूचना के बाद सुकमा एसपी के नेतृत्व में जवानों की 2 टीम को रवाना किया गया, जिसमें एक टीम को सोमवार को सुबह बड़ी सफलता मिल गई। कैंप के पास जवानों ने पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 14 नक्सली मौके पर ही ढेर हो गए। इसके साथ ही फोर्स को 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर देवा को फोर्स ने जिंदा पकड़ लिया। फायरिंग में एक महिला नक्सली को गोली लगी, जिसे भी पकड़कर रायपुर लाया जा रहा है। नक्सल डीजी डीएम अवस्थी के मुताबिक भेज्जी के करीब 200 से ज्यादा जवानों की टीम को भेजा गया था। 2 अलग अलग टीमें भेजी गई थी, जिसमें एक ऑपरेशन अभी भी जारी है। डीजी डीएम अवस्थी के मुताबिक देवा बटालियन नंबर 1 में रहा है और हिड़मा के साथ भी उसने काम किया है। वो भी मुठभेड़ के दौरान कैंप में ही मौजूद थे। वहीं मारे गए नक्सली में बंजाम हुंजा नाम के एक नक्सली की पहचान हुई है। नलका तोंग विलेज के 4 किलोमीटर दूर पे कैंप था नक्सलियों का, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस गए और एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद
अब तक प्राप्त जानकारी जो सुकमा पुलिस अधीक्षक से हमें मिली है उससे 14 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, 16 वेपन्स जिसमें कि कुछ 12 बोर, 315 बोर और कुछ कंट्री मेड वेपन्स हैं वो बरामद किए गए हैं। एक महिला माओवादी जो घायल हुई है, उसके पैर में गोली लगी, उसको इलाज के बाद अपने साथ लाया जा रहा है और उससे और भी डिटेल्स जानकारी मिली है। कुछ आईडीज और कुछ और सामान जो माओवादियों का है वो भी बरामद हुआ है। एक देवा वहाँ पे है, एरिया कमेटी मेंबर है उस इलाके का, जो कि बटालियन नंबर 1 में भी काम कर चुका है, उस पर संभवतः 5 लाख रुपए का इनाम है। उसको जिंदा पकड़ा गया है और वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस उसको लेके आ रहे हैं। जवानों ने इस ऑपरेशन को इतने शानदार तरीके से अंजाम दिया है कि उन्हें खरोंच तक नहीं आई। नक्सल डीजी डीएम अवस्थी ने इस ऑपरेशन को बेहद कामयाब बताते हुए सुकमा एसपी सहित जवानों को अपनी शुभकामनाएं दी है। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वो नक्सलियों का बेहद ही सुरक्षित ठिकाना समझा जाता था। आज तक फोर्स उस एरिया में नहीं पहुँची थी, लिहाजा नक्सलियों ने बेहद इत्मीनान से कैंप लगाया था, क्योंकि नक्सलियों को थोड़ा भी एहसास नहीं था कि फोर्स यहाँ तक पहुँच सकती है। डीजी ने माना कि इसी तरीके से नक्सल समस्या को 2022 तक खत्म किया जा सकता है। जो टैक्टिकल बेस था उसका फायदा था कि रात में फोर्स ने चल करके और कैंप के पास पहुंच करके अपनी पोजीशन ली। ये इंटेलिजेंस के आधार पे के अलावा जो उनकी सूझबूझ है और जो टैक्टिक्स है डीआरजी और उनकी, उसको श्रेय जाता है। नक्सल एरिया में ऑपरेशंस के बाद ये खतरे भी बने रहते हैं कि फोर्स वापस सुरक्षित पहुंच जाए। इस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं जो हमारे पुलिस अधीक्षक चला रहे हैं और जो उत्साह के साथ और इंटेलिजेंस के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये स्थिति बनी रहती है तो वास्तव में 2022 तक हम अच्छी मजबूत स्थिति में होंगे और हो सकता है कि नक्सलवाद समाप्त भी हो जाए। गोपान, बालातोंग और बेलपोंचा मिलिशिया के संयुक्त कैंप को ध्वस्त करने में फोर्स को कामयाबी मिल गई। अब 2022 तक नक्सल को जड़ से खत्म करने की पहल कितनी कारगर साबित होती है ये तो उनकी रणनीति पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बीहड़ नक्सल क्षेत्र सुकमा को माना जाता है, इसमें आज पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिली है, जिसके चलते 14 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। इसके साथ ही 5 लाख के इनामी नक्सली देवा को गिरफ्तार भी किया है। उसके साथ ही एक महिला नक्सली को गोली लगने से घायल हुए उसे अब रायपुर लाया जा रहा है, जो पुलिस गिरफ्त में है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो 2022 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का दावा है वो कितना कारगर साबित हो सकता है। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य। संजीवनी 108 और 102 के कर्मचारी पिछले 22 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा इन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसी के चलते आंदोलन के 22वें दिन कर्मचारी अपने परिवारों के साथ धरने पर बैठ गए। लगातार 22 दिनों से संजीवनी के 3000 कर्मचारियों ने शहर के ईदगाह भाटा मैदान में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रतिदिन आंदोलन को नया स्वरूप देते रहे हैं। निरंतर प्रयासों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलने पर आंदोलन के 22वें दिन कार्यकर्ता अपने परिवार वालों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि 4 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य संचालक, जीविके कंपनी और संघ के मध्य बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जा सका और न ही मांगों को मानने की बात कही गई। इसी आजाद से कर्मचारी निरंतर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। संघ के अध्यक्ष राजेंद्र राठौर ने बताया कि 2 दिनों के अंदर अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम अपने पूरे परिवार के साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे। आज हमारी हड़ताल के 22वें दिवस है। सरकार से लगातार हमारी प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं वार्ता निकले, जो 2.5 करोड़ जनताओं को लगातार 108-102 की जो सेवाएं मिलती है उसको लाभ मिले। हम लोगों ने आज सुबह मंत्री जी से बात हुआ है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोगों ने आग्रह किया कि हमारी मांगों पर स्थायी निराकरण करें, जिससे हम इस सेवा को नए सिरे से बहाल कर सकें। आगे अगर नहीं किया जाएगा तो हम अपने परिवारों के साथ भी जेल भरो आंदोलन या सत्याग्रह करने के लिए मजबूर होंगे। ऐसा एक दिन लोग 108-102 वाले ऐसा क्या मांग ले कि छत्तीसगढ़ शासन नहीं दे सकती है? न्यूनतम वेजेस ही तो मांग रहे हैं, न्यूनतम मांग ही तो जब शराब को अपने अंडर चला सकती है शराब, है ना, तो इन लोग ऐसा मतलब छत्तीसगढ़ के एक तो इतनी महत्वपूर्ण सेवा है उसको क्यों अपने अंडर चला नहीं सकती, क्यों ठेका में चला रही है? मैं छत्तीसगढ़ शासन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन लोगों को अपने अंडर चलाए।
जीवीके कंपनी का कहना है कि 4 अगस्त को बैठक के दौरान उन्हें आखिरी चेतावनी दी गई थी कि सभी काम पर वापस लौट जाए, नहीं तो सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और अपना आंदोलन जारी रखा। आने वाले समय में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके जिम्मेदार वह खुद होंगे। बहरहाल जहां एक तरफ संघ अपने मांगों को लेकर नए प्रयास कर रही है, वही संचालनकर्ता जीवीके कंपनी भी अपनी जीत पर अड़ी हुई है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के लाखे नगर में देर रात एक तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले ली। हादसे में बाइक से गिरे 11 साल के बच्चे को कार चालक घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। हादसा लाखे नगर चौक के पास जय माता दी होटल के सामने की है, जहां तेज रफ्तार से स्विफ्ट कार चालक संदीप चौहान लापरवाही पूर्वक चलाते हुए प्रार्थी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रार्थी का 10 वर्षीय पुत्र गिरकर वहां घायल हो गया, वहीं 11 वर्षीय पुत्र गिरकर कार में फंस गया। इसके बाद भी आरोपी ने कार नहीं रोकी और बालक को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे में पिता पुत्र बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। और यहां रुकेंगे।